तरीके का अब्यूज करता है, ये इस तरीके का वो करता है, ठीक है। लेकिन आज तक पूछ लो, अरे यार हाँ एक सेकंड कॉल आ गया था, आज तक पूछ लो रैंडम से लेके, क्या कभी भी रैंडम को या रैंडम के लिए मैंने कुछ भी ऐसा कहा है? रैंडम माइक खोलो अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे ओसली का मजाक मत करो, मैं सीरियस होता फिर मैं करूंगा, फिर कहोगे ट्रोल कर रहा है। ठीक है भाई, अब रोना मत भाई अरे ट्रोलिंग का, ठीक है। अरे यार, ठीक है सम्राट भाई, ठीक है, समझता है सब लोग। गौतम अरोरा भाई, आपका बायो देख के तो बड़ा अच्छा लगा। हिंदुत्व सर्वोपरि, जय श्री राम। भाई को माइक पे दो कभी। कौन को? अरे गौतम अरोरा भाई, अभिषेक पला अरोरा तुम भाई का बायो देख के मैं बड़ा क्यों अच्छा होस्ट लगा। बनाता हूँ। हाँ लेना लेना उसको माइक पे लेना, एक आध को लो लो लो, इसको लो, गौतम को लो। अरे नहीं नहीं भाई, अच्छे से बात करेंगे, आओ। मैंने अच्छे से बात करी थी यार, अभी बेमतलब मैं आके ज्ञान दे रहा। कौन कौन? अच्छा वही गौतम भाई, देखिए जो कुछ भी हुआ हो वो ठीक है, लेकिन गौतम हमें भाई आए ऐसे, थे क्या हाँ अभी? अच्छा देखिए ऐसा है कि हमें जज नहीं करना चाहिए जल्दी। भाई तू कौन है, वकील है, नेता है, जज है? फिर आ गया भैया, आ जा आ जा। सम्राट भैया, ओपिनियन हाँ ले भाई, आ गया सम्राट भाई। भाई, पैसा मिला है एल्विस से तो सीधा बोलो ना यार, क्यों डैमेज कंट्रोल कर रहे हो? अरे एलविस, मैं कह रहा ना जिंदगी में थगेश, लक्ष्य और एलविस, तीन से कोई पैसा नहीं निकाल सकता वहां कंज्यूम से, और ऑन स्पेस कह रहा हूँ, ठीक है, तीनों से आप पैसा नहीं निकाल सकते, और गौतम ठगेश से तो आप एक रुपया नहीं गौतम भाई, निकाल क्या हाल सकते। है बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। आपका बायो देख के तो बड़ा अच्छा लगा भाई, कब चेंज किए? भाई ये बायो मेरा लास्ट ईयर से, जब से ट्विटर पे आया हूँ पहले दिन से यही है। अरे अरे तो हंस का है भाई सम्राट, अजीबा है। पहली बार जोक अच्छा मारा तुमने। ठीक है भाई, सब मतलब लगने वाले को लग सकता है ना, अभिषेक मल्होत्रा के सपोर्टर जय श्री राम नहीं लिख सकते, ऐसा कोई रूल तो नहीं है यार। देखो है भाई, मैंने बना दिया भाई नया। भाई, पर मैं मान ले रहा हूँ, सॉरी इस बात को, पर मैं अभिषेक मल्होत्रा को सपोर्ट नहीं करता था, तब भी जय श्री राम ही लिखा हुआ था। अच्छा धन्यवाद भाई साहब, आपका जी भाई, धर्म के लिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें आपको धन्यवाद बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। अरे गौतम भाई, ये बकचोद आदमी है, छोड़ो इसको, हटाओ लाइफ, साइड करो इसको भाई। आप बताओ क्या हाल चाल। बहुत बहुत सही भाई। हमको यार आप एक हमको सेकंड, अनब्लॉक कैसे कर दिए रैंडम अरे रैंडम भाई, भाई? मैंने आपको ब्लॉक करा ही नहीं था। अरे एक सेकंड एक सेकंड, हर्ष माइक खोलना भाई। अरे वो हाँ मीम आता है ना, जियानो नोबिता किस करते हैं या सुनियो किस करते हैं, वो समझ गए? ठीक हाँ है, वो मुझे वो डीएम कर देना, मैं डाल दूंगा जरा रैंडम गौरव पे। भाई मैं तो ना सहता, ये तो अलग। बड़े भाई मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ रैंडम। आई डोंट नो रैंडम कि भाई, गौतम है कौन, ठीक है। रैंडम भाई, अरे हेलो। यार आराम तो हम क्या बोले, दुहन भाई के साथ गजब बकचोदी हो गया, क्या बोले दुहन को? दुहन को समझाओ यार थोड़ा, क्या ईगो लेके बैठा हुआ है दुहान भाई। भाई, दुहान नहीं दुहान। अब भाई ऐसे ऐसे नाम भी रखते हैं, हमको नहीं पता चलता। अरे दुहन वो कास्ट पहले होता है। तो पता है जो काम करता है वो शुभम है, उसको हम बोले थे वो दुल्हन भाई है, दुल्हन बोलता है भैया दुहान नाम उसको, हम ध्यान भी नहीं दिए दुल्हन नाम है भाई, क्योंकि दुहान है वो। मैक्सन भोसड़ी का हमेशा माफी मांगते रहता है सबसे। भाई किसी का लक्ष्य ट्वीट भाई आया, कौन लक्ष्य चौधरी भाई, लक्ष्य भाई ऊपर आना चाहेंगे यार आप? लक्ष्य लक्ष्य। नहीं लक्ष्य, हाँ तो रहने दो सम्राट भाई, तालाबेशा का डिफरेंस नहीं पता है। लक्ष्य लक्ष्य भाई, लक्ष्य हाय मतलब लक्ष्य, जानता है। हाउ आर यू? अरे कैसे हो सम्राट भाई? अरे बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया, कैसे हो रैंडम भाई? बढ़िया। सम्राट से तो मेरी दोस्ती खत्म हो गई भाई, मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ इस स्पेस में। भाई वो दोस्ती बचा की चर्चा। होगा उधार चुका के खत्म अच्छा करना एक बात। बात ये बताओ, होता अरे कुछ तुम्हारे एलविश के साथ है, गाली मुझे पढ़नी क्यों शुरू हो जाती है भाई? भाई तो तुमने कम कांड करे भाई, बाबा का ढाबा में आज बता देता हूं ना, कुछ था नहीं, ये आदमी लेके आया भाई। बोले चलो करते हैं, खूब कुत्तों जैसी गाली खाई भाई।
अच्छा वापस तुम्हें पता है वो बंदा था जो स्वाद ऑफिशियल, वो किसी बुड्ढी से 12 ग्लास शिकंजी पी गया 200 रुपए में। वो वीडियो बड़ी वायरल नहीं है अभी। एक दिन रात में मैसेज आया, भाई एक लड़का है अपने को, उसको सपोर्ट करना है। मैं यूके को जानता नहीं था, भाई जानते थे, मैं सपोर्ट करा, फुल सपोर्ट करा। 2-4 दिन बाद वही उसकी जो बंदी थी वो आमिर मामिर के साथ चली गई रैंडमली। भाई बोला अकाउंट पे गालियां बढ़ना शुरू हो गई। फिर मैंने पूछा इससे लक्ष्य से, भाई क्या है? बोले ऐसा ऐसा है। तो एक नहीं है, हिस्ट्री है इसकी, लक्ष्य चौधरी के कांड के बाद हिस्ट्री। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, हम किसी से लड़ना भाई कितना ही गलत क्यों ना हो, अगर हमने कंट्रोवर्सी करी ना, इन दी एंड वो सही प्रूव हो जाएगा कभी ना कभी जाके। फिर गलत प्रूव करो बैठ के, को लक्ष्य भाई। तो मैं इसीलिए तो भाई अब एसोसिएट ही नहीं होता ना भाई अब मैं। भाई तुम चाह के भी नहीं छोड़ सकते ना यार, तुमको सिर्फ मैं कैंसिल कर सकता हूँ और मुझको तुम, तो दुश्मनी लेने का ही फायदा नहीं है। तुम्हारी व्हाट्सएप वगैरह कोई हैक ना कर ले भाई, मैं तो वैसे ही कैंसिल हो जाऊंगा। इसका हैक हो गया तो बहुत कोई कैंसिल हो जाएगा। भाई मैंने एक दिन इसके अपने व्हाट्सएप में इमेजेस देखी जो शेयर हो रखी है मीडिया, कुछ 8,000-9,000 है, और वॉइस नोट उसमें और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा भाई डिलीट भी नहीं कर सकता वापस जाके। सबसे ज्यादा